हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगेन आई एम अजीत कुमार इन फ्रंट ऑफ यू टू मेक यू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज हम्बन डोटा पोर्ट। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हम्बन डोटा पोर्ट, जो कि आजकल के करंट इश्यूज में भी बहुत इम्पोर्टेंट है और भारत के समुद्री मार्ग में भी एक बहुत बड़ी रुकावट के रूप में देखा गया है इसको। ठीक है, तो आज का ये हमारा मुद्दा रहने वाला है, आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम्बन डोटा की नींव कैसे कैसे रखी गई, क्यों पड़ी इसकी नींव, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2004 में एक सुनामी आई थी। उस सुनामी के कारण इंडियन ओशियन में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, जिसका प्रभाव हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका पर भी पड़ा था। श्रीलंका में हम्बन डोटा नाम से कई प्रोजेक्ट्स थे उस टाइम जो चल रहे थे, जैसे कि एयरपोर्ट वगैरह का था और भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो चल रहे थे, तो उससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा हानि हुई। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक पोर्ट बनाया जाए हम्बन डोटा नाम से। और उस पोर्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि जो श्रीलंका है वो श्रीलंका हमारे रास्ते में पड़ता है, समुद्री मार्ग के रास्ते में। कैसे कि हमारे जो देश का लगभग पूरे एशिया का जो व्यापार होता है ना, वो व्यापार सारा, देखिए मैं मैप के हिसाब से समझाता हूँ आपको। देखिए व्यापार जो होता है हमारा, ये यहाँ से होता है। देखिए देखिए जैसे भी यहाँ पूरा एशिया का पूरा सिस्टम आएगा। देखिए यहाँ पर श्रीलंका में यहाँ पर एक पोर्ट पड़ता है कोलंबो पोर्ट, वहाँ कोलंबो पोर्ट से होते हुए व्यापार होता था। देखिए इधर से होते हुए यहाँ पर, ये जो है ना, ये मलक्का स्टेट है, तो ये मलक्का स्टेट, ये मलक्का जलसंधि है। इधर से होते हुए इधर की साइड में माल जाता था पूरा, और इधर से देखें तो यहाँ से जाते हुए ये इधर होते हुए ये यूरोप को जोड़ती थी। स्वेज कैनाल है यहाँ पर, ठीक है, ये स्वेज कैनाल यूरोप से जोड़ती थी। तो ये इम्पोर्टेंट जलसंधि थी जहाँ से होते हुए भारत का व्यापार हुआ करता था, या फिर पूरे एशिया का व्यापार हुआ करता था कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पोर्ट आता था एक ही, कौन सा पोर्ट था, वो था कोलंबो पोर्ट, जो कि श्रीलंका में है, जो कि फिलहाल भी और पहले भी, मतलब कि श्रीलंका का सबसे बड़ा पोर्ट हुआ करता था, सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, तो वहाँ पर ये पूरे के पूरे दो जलसंधि थी, जो कि एक स्वेज कैनाल थी जो यूरोप से जोड़ती थी, और इधर को ये थाईलैंड वगैरह के जो देश हैं उनको जोड़ती थी मलक्का स्टेट। क्या हुआ कि जो कोलंबो पोर्ट था उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा व्यापार होने लगा था उससे, तो उसके प्रेशर को रिलीव करने के लिए, उसके प्रेशर को कम करने के लिए एक दूसरे बंदरगाह बनाने की सोच आई श्रीलंका के प्रेसिडेंट के दिमाग में। तो उन्होंने हम्बन डोटा नाम के इस बंदरगाह को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो उन्होंने 2008 में हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो मनमोहन सिंह जी से इसके लिए हेल्प मांगी। तो मनमोहन सिंह जी ने अपने भारत की स्थिति को देखते हुए मना कर दिया कि हम कोई हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी का फ़ायदा उठाया हमारे पड़ोसी देश चीन ने। ठीक है, उसने कैसे फ़ायदा उठाया, देखिए मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूँ। दूसरा मैप देखिए ये जो था हमारा जो चीन था, चीन क्या चाहता था, चीन चाहता था कि भारत का समुद्री मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाए, जिससे कि भारत को चीन की मदद लेनी पड़े या फिर चीन के अंडर आ जाए भारत। देखिए ये जो रेड लाइंस दिख रही है ना आपको, ये जो रेड लाइंस हैं, ये रेड लाइंस सारी ये बताती हैं कि चीन के विभिन्न देशों में क्या थे, बंदरगाह थे। देखिए ये पाकिस्तान में यहाँ एक बंदरगाह था, यहाँ श्रीलंका में देखा जाए तो हम्बन डोटा इसी ने बनाया था, फिर इधर की साइड में म्यांमार तरफ में था एक बंदरगाह। तो इन्होंने एक रिंग बना ली थी जिससे कि भारत का समुद्री मार्ग रुक जाए, जिससे कि भारत व्यापार ना कर पाए अच्छे से। तो इसका भी यही रीज़न था कि, और आपने चीन की हड़पन नीति को तो सुना ही होगा, चीन की जो डेप्ट पॉलिसी है, किसी को भी कर्जे में डुबाना और उसको पूरी तरह से हड़प लेना,
ठीक है, ये था। इसमें कह नहीं सकते कि चीन का ही पूरा बड़ा हाथ था, इसमें एक बहुत बड़ा हाथ श्रीलंका के राजनेताओं का भी था, जिससे कि जो हम्बनटोटा पोर्ट है आज पूरी तरह से मान लीजिए कि चीन के कब्जे में है। उसमें जैसे कि चीन की वो डेप्ट पॉलिसी थी, ऐसे ही श्रीलंका के राजनेताओं का हाथ था। ठीक है, तो ये था कि कोलंबो पोर्ट के प्रेशर के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए हमें एक बंदरगाह की ज़रूरत पड़ी, जिसे हम्बनटोटा नाम से इंट्रोड्यूस किया, और उसे बनाने के लिए फिर 2008 में ही चीन ने 1.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का कर्जा दे दिया श्रीलंका को इसे बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको कि जो हम्बनटोटा पोर्ट था वो दो फेजेज में बना था, टू फेजेज में। ठीक है, तो टू फेज में कैसे बना था, देखिए पहली बार जो चीन ने लोन दिया था 2008 में, वो एक कॉमर्शियल लोन दिया था एग्जिम बैंक ऑफ चाइना ने श्रीलंका के लिए 15 साल के लिए। ठीक है, 15 साल के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने श्रीलंका को लोन दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में ये लोन दिया था 15 साल के लिए। जो फर्स्ट फेज था हमारा वो 18 नवंबर 2010 को पूरा हो गया, 18 नवंबर 2010 को हम्बनटोटा पोर्ट का फर्स्ट फेज बन गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड फेज था, सेकंड फेज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 2012 में। ठीक है, अब पहला लोन तो खत्म हो चुका था समथिंग समथिंग, तो अब श्रीलंका को और पैसे चाहिए उसे बनाने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि दोबारा से एग्जिम बैंक ने श्रीलंका को लोन दिया, चीन की जो एग्जिम बैंक है उसने श्रीलंका को लोन दिया, और समथिंग समथिंग 65% स्टॉक्स उस पोर्ट के 35 साल के लिए अपने कब्जे में ले लिए। कितने परसेंट? 65% स्टॉक 35 साल के लिए चीन के कब्जे में चले गए, जो सेकंड फेज स्टार्ट हुआ था। तो सेकंड फेज समथिंग समथिंग स्टार्ट हुआ था 2012 में और ख़त्म हुआ था 2015 के एंड तक। ठीक है, अब देखिए और क्या बात थी, मैं बता दूं आपको कि एक बात मैंने बताई है आपको कि सबसे बड़ा पोर्ट तो था इसका कोलंबो था, और सेकंड लार्जेस्ट जो पोर्ट था वो अब हम्बनटोटा बनेगा। ठीक है, हम्बनटोटा जो बन चुका है, देखिए इस पोर्ट का, हम्बनटोटा पोर्ट का नाम जो रखा गया था उस टाइम के होने वाले श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था महिंदे राजपक्षे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। इसके लगभग दो नाम देखे जाते हैं, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, हम्बनटोटा पोर्ट के दो नाम हैं, जो कि एक तो मागमपुरा महिंदे राजपक्षे और एक मागम रोहनपुरा महिंदे राजपक्षे पोर्ट, इन दो नामों से इस पोर्ट को जाना जाता है। ठीक है, और इसकी समथिंग समथिंग जो इसकी गहराई है इस पोर्ट की, वो 17 मीटर है, सी लेवल से 17 मीटर अंदर है ये। ठीक है, 17 मीटर अंदर तक बना हुआ है, इतनी इसकी गहराई है। अब देखिए 2015 में क्या हुआ था, 2015 में जैसे ही पोर्ट की सेकंड फेज कंप्लीट हुई, 2015 में वहाँ चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए श्रीलंका में, तो जो महिंदे राजपक्षे जी थे उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया और इलेक्शंस हुए, तो वो उस इलेक्शंस में हार गए। ठीक है, सो 2016 तक श्रीलंका को करीब करीब 9 बिलियन रुपए देने थे चीन को, किसके तौर पर, एक इंटरेस्ट के तौर पर 2016 तक। बट क्या हुआ कि 2015 की एंड साल तक ये हुआ कि समथिंग समथिंग 46.7 बिलियन रुपीज़ का उस पोर्ट के हिसाब से उनको हो गया घाटा। ठीक है, तो अब जब घाटा ही हो गया 46.7 बिलियन रुपीज़ का, तो अब वो 9 बिलियन रुपीज़ इंटरेस्ट के तौर पर चाइना को दे कैसे, तो वह नहीं दे पाए। और उसी टाइम पर इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने वो थे रानिल विक्रम सिंघे। ठीक है, और फिर वो 2016 में कहाँ गए, चीन गए, इस मैटर को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए या फिर इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने चीन की एक यात्रा की। देखिए न्यू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रम सिंघे विजिटेड टू चाइना टू सॉल्व द इश्यू। ठीक है, तब उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया 2017 में। ठीक है, एक कंसेशन एग्रीमेंट था जिससे वो इसको सॉल्यूशन करने के लिए साइन किया था 2017 में। वो क्या था, देखिए
देखिए, जो 2017 में कंसेशन एग्रीमेंट हुआ था उसके अंडर श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी को एक समिति का गठन करना था जिसका नाम था हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप, ठीक है, HIPG जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि श्रीलंका और चीन का एक जॉइंट वेंचर होगा, ठीक है। उसमें जो ये समिति थी, जो हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप थी, इसके समथिंग समथिंग 85% स्टॉक्स चाइना ने खरीद लिए थे। उसके तहत चाइना ने, देखिए, US$1.12 बिलियन इन्वेस्ट किए थे पोर्ट में उसका पुनर्गठन करने के लिए, ठीक है। और ये एग्रीमेंट था, ये 99 साल, मतलब 99 ईयर्स के लिए था, ठीक है। सो जो 2017 का जो एग्रीमेंट था उसमें श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप, जिसके समथिंग समथिंग 85% स्टॉक्स चाइना के पास थे। अब ये बन गया था चाइना और श्रीलंका का दोनों का एक जॉइंट वेंचर, ठीक है, जिसके तहत अब ये दोनों की दोनों काम करेंगे। अब देखिए, 99 साल के लिए था ये, 99 ईयर्स के लिए। इसके साथ साथ 1500 एकड़ ज़मीन, जो तब के प्रधानमंत्री हुआ करते थे नए श्रीलंका के, उन्होंने 1500 एकड़ ज़मीन 99 साल के लिए चाइना को लीज पर दे दी, उसी टाइम 2017 टाइम, ठीक है, उसी एग्रीमेंट के तहत, ठीक है। अब देखिए, ये जो एग्रीमेंट था कुछ महीने तक डिले होता रहा, ठीक है। देखिए, ये कुछ महीनों तक डिले होता रहा। उसके कुछ पीछे रीजंस थे, जो कि कुछ मिलिट्री रीजन बताए जाते हैं या फिर कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे। उसकी वजह से ये जो एग्रीमेंट था कुछ महीनों तक डिले हुआ। उसके बाद देखिए, जो पुराने जो प्रेसिडेंट थे राजपक्षे जी, उन्होंने इस जो प्लान था पूरा, 1500 एकड़ ज़मीन उसको देना, 85% स्टॉक्स उसको चाइना को दे देना, इन सब की एक तरीके से आलोचना की, इन सब की एक तरीके से उसने आलोचना की राजपक्षे जी ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते गए, इंटरेस्ट श्रीलंका के ऊपर बढ़ता गया। तो श्रीलंका के ऊपर जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया, अब 85% स्टॉक्स तो थे चाइना के पास और 15% स्टॉक्स थे श्रीलंका के पास, तो कमाई तो शायद पूरी पूरी जाती थी चाइना को, और उसके ऊपर भी उसके जो खर्चे में जितने पैसे लगे थे, जो बना निर्माण में उसके में जितने पैसे लगे थे, उन सब का इंटरेस्ट देना था श्रीलंका को। इसी प्रकार जो श्रीलंका था वो चीन की डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी में आ गया, जकड़ गया पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्ट चुकाना था, और कमाई जो जो हो रही थी वो सारी जा रही थी चीन के लिए। इस तरीके से जो ये श्रीलंका था वो डेप ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत चीन के अंतर्गत आ गया पूरी तरह से, ठीक है। उसके बाद 2021 में श्रीलंका के एक फॉरेन मिनिस्टर थे जो दिनेश गुनावर्डेना था, दिनेश गुनावर्डेना जी थे, उन्होंने कहा कि जो ये हम्बनटोटा को लीज पर देने की जो बात थी चीन को, ये एक पुरानी जो हमारी पुरानी सरकार थी उसकी एक गलती थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो ये एग्रीमेंट है हम इसको दोबारा से साइन करेंगे, मतलब इसको दोबारा से कुछ शर्तें, नियम शर्तें इसमें और जोड़ी जाएंगी। उसके तहत देखिए, ये जो था हमारा ये हम्बनटोटा पोर्ट, अब बताया जा रहा है कि 198 ईयर्स के लिए, मतलब कि 198 ईयर्स के लिए चीन के पास चला गया है उसी के तहत, ठीक है। अब देखिए, इससे नुकसान क्या क्या है, देखिए, ये हम्बनटोटा पोर्ट की एक तस्वीर है, ये हमने दिखा दिया आपको, देखिए। अब देखिए, भारत का जो पूरा व्यापार है वो यहीं से होता है। अब ये हम्बनटोटा पोर्ट एक कमी थी चीन के पास, हम्बनटोटा पोर्ट जो ये पोर्ट था श्रीलंका में, जिससे कि पूरी की पूरी एक रिंग बन जाए जिससे भारत का समुद्री मार्ग अवरोध हो जाए। अब देखिए, भारत में जितना भी व्यापार होना था यूरोप के साथ या फिर अदर कंट्रीज, इधर वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया वगैरह इधर की साइड में होना था, वो सारा मलक्का स्ट्रेट से होना था या फिर स्वेज कैनाल के थ्रू होना था। अब हम्बनटोटा पोर्ट से या फिर कोलंबो पोर्ट से ये जाते थे, वहाँ वहाँ से होते हुए श्रीलंका में जो कोलंबो पोर्ट था वो इम्पोर्टेंट था इनके लिए। अब वहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट बन गया, जो कि पूरी तरह से
चाइना के कब्जे में आ गया। अब भारत का जो मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया है, ठीक है। तो भारत को एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और भारत का बहुत ज़्यादा व्यापार है जो अदर कंट्रीज के साथ बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। तो ये था जो मैंने आपको बता दिया हम्बनटोटा पोर्ट के लिए। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड बने रहना हमारे इस चैनल पर और भी आगे और भी इंटरेस्टेड वीडियोज़ के लिए। और सॉरी गाइज फॉर बिकॉज इट इज़ माई ओनली सेकेंड वीडियो, सो आई एम लिटिल बिट नर्वस। इतनी अच्छी से मैं बोल नहीं पाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत सॉरी हूँ मैं आपके लिए। सो प्लीज़ सपोर्ट करें और थोड़ा सा भाषा के लिए सॉरी, ठीक है। सो गाइज बने रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशंस, एंड बाय बाय।